नहीं मंजी माँ, हम आपको नहीं जाने देंगे। अब तो बड़ के पापा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम बड़ के पापा को कहेंगे कि आपको रोके, और गौरी भी जिद करके कहेगी। आप ये सफेद कपड़े मत पहनो मंजी माँ, हम काले कपड़े पहनते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें रंगीन कपड़े बहुत पसंद है। जब आप रंगीन कपड़े पहनते हो ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी मम्मा हो ना, हम दोनों को रंगीन कपड़े पहनना बंद नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, हमें भी कपड़ों में रंग बहुत पसंद है, और आपके जीवन में हम सातों रंग जरूर भरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पर हम तो काला टीका है ना, आपको रंगीन कपड़े पहनना जरूरी है। रुको, आप यहीं रुको। छोटे से कंधों पे रख के कर लिया। आपके अंदर बहुत ताकत है कली। हम आज तक आपके इन काले कपड़ों पर रंग नहीं लगा पाए, लेकिन आपने आपने हमारे सफेद कपड़े पर रंग लगा दिया। मंजी माँ, काले रंग पर तो कोई रंग नहीं चढ़ता। हम गौरी के साथ पेंटिंग करते हैं ना, सफेद कागज पर। काला रंग तो सारे रंगों को खा जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन का रंग कोई नहीं खाएगा, और अगर अगर रंग नहीं चढ़ा पाए ना, तो अंदर से रंग उभारेंगे। आपके जीवन में तितली के पंखों के जैसे खूब सारे रंग उभरेंगे, खूब सारे रंग। डार्लिंग जी ना, मंजरी दीदी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। नॉट माय सौतन, सी माय बहन। तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हे ब्यूटी, ऑन ड्यूटी। एक काम करो ना, जाके वो विधवा वाला आश्रम में हर कमरा में चेक करो, तो उस सब कमरा में एसी है कि नहीं वो सब देख लो। और एक काम करना, सिल्क का सफेद साड़ी एक दर्जन ले लेना। हमारी मंजरी दीदी ना, वो घटिया सा साड़ी नहीं पहनेगी। हाँ, बच्चा लोग जब स्कूल चल जाएगा ना, खाली तभी तक मंजरी दीदी हम लोग के बीच में रहेगी, नहीं तो हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी।
चलो। ये लो बबल। क्यों? अरे तुमने तो हमसे कहा था कि राम जी को बबल गम वाला प्रसाद पसंद है। ले जाओ कली, राम जी को अच्छा लगेगा। बबल गम का प्रसाद है ना, और उन्हें बोलना हमारी मदद करे। वो तो तुम्हारी बात भी सुनते हैं ना? हाँ सुनते तो हैं, मगर हम वहाँ बाहर जाएंगे कैसे? हम भी सोचते। तुम मत सोचो, हम सोच रहे हैं ना? ठीक है नीलू। आइडिया, टाइम हो गया, चल। मंजीमा अब चिंता मत करना, हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे राम जी से सब ठीक करवा कर। ये क्या है कली? ये राम जी की अंगूठी है। जब हम पिछली बार गए थे ना, तब देना भूल गए, इस बार दे देंगे। दो मिनट, इधर ही रहो। ये मैप है, मैप। ये जो लाइनें है ना, ये रास्तों की तस्वीरें हैं। और अगर ऐसे हम सीधा सीधा लाएंगे तो ये राम मंदिर है, ठीक है, सीधा जाके। और अगर हम ऐसे ही वापस आ जाएंगे तो ये अपना घर है, समझ गई? डरना मत बिल्कुल। अरे हम समझ गए, डरने की क्या बात है जब राम जी साथ है। बात तो तुम्हारी ठीक है, ये पकड़ो, हम वॉचमैन अंकल को भेज के और तुम साइकिल लेके निकल जाना। और जब ये निकलेगी ना तो मैंने इशारा कर देना। क्या बात है अंकल? मेरी रिंग खो गई है, यहाँ कहीं ढूंढोगे? कहाँ पे रिंग खो गई नीलू बाबा? अरे यही कहीं खो गई है। चलो इधर देखो। मिली क्या? नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, घर के अंदर ही खो गई होगी। बहुत रात हो गई है ना, अब सो जाना चाहिए, माँ भी इंतजार कर रही है। क्या हुआ? जीती माँ, मर गए। अरे नीलकंठ बिटुआ, कहाँ कर रहे हो वहाँ आधी रात को? अरे इतना ठंड है, सोने का वक्त हो गया, आओ। अरे आते हो कनपट्टी में मारे? और ये काला टीका क्या कर रहा है आधी रात को? जाओ अपना कमरा में। मैं पहले निकलता हूँ, तुम मेरे बाद निकलना। अरे नीचे आके कनपट्टी आ गया माँ। हाँ अरे अरे अरे, ये काला टीका तो अंधेरे में नजर भी नहीं आता। काला भूत। Thank you.
पूछे, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ? ये नीलू भैया ने पहाड़ बनाया फिर बिल्ली के कान? राम जी से कहना पड़ेगा कि नीलू भैया को ड्राइंग सिखा दे। राम जी आप कुछ बताओ ना, आपका घर किधर है? राम जी आप कितनी परीक्षा लेते हो? बता दो ना आपका मंदिर कहाँ है? जल्दी चलो भैया, हमें मंदिर का दरवाजा खुलने से पहले पहुँचना होगा। हाँ भाई, मनोकामना तो तभी पूरा होता है जब राम मंदिर का दरवाजा खोलते हुए देखो। और मंदिर भी तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर है, बहुत ऊंचा है, बहुत टाइम लगेगा। चलो चलो जल्दी चलो। थैंक यू राम जी, अब हम आपके पास आ रहे हैं। मंजी मां देखना, अब राम जी सब ठीक कर देंगे। उस आदमी ने कहा था मंदिर का दरवाजा खुलता देखना चाहिए, तभी मनोकामना पूरी हो गई। ए गौरी, गौरी, उठ जा बेटा। एक तो आज मंजरी दीदी नहीं होगी, पर से सब का सब काम हम ही को करना पड़ेगा। वन वुमन हाउस वर्क का वर्क पता नहीं कैसे करेंगे। ए गौरी उठ जा बेटा, उठो उठो तो। क्या हुआ गौरी? अरे किडनैप, किडनैप। अरे गौरी मिलिका, कहाँ मर गए सबके सब? नहीं जेठी माँ, गौशाला में भी नहीं है। हाँ बेटो, हमने तो पूजा घर में भी देख लिया, वहाँ भी नहीं है, वो रसोई में भी नहीं है। अरे कहाँ चले गई छुकरिया, सबका दिमाग खराब कर दिए सुबह सुबह। कल तुम तीनों बच्चे खेल रहे थे, बताओ कहाँ है गौरी? अरे बच्चा का हाथ है, कोई दरवाजे का कुंडा थोड़ी है। भाभी हमें पूछने दीजिए। भाभी देखिए, देखिए इसे, बिल्कुल चोरों की तरह इसने सर झुकाया हुआ है, इसे जरूर पता है। बोल बेटा। अरे इको क्या पता होगा, ये रात भर तो हमरे बगल में सोया हुआ था। बोल दे बेटा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है गौरी? अरे बच्चों, अरे तुमको भनक है का कोई? अरे तो बताई तो ना, वो गौरी मंजरी चाची के साथ सोई है आउट हाउस में। हमने कहा था। अरे काली के पीछे पीछे गई होगी, हमरे नीलकंठ को सता रहे। काली, काली, गौरी, गौरी बेटा आप यहां क्या कर रहे हो? आप ठीक तो हो? राम जी हम आ रहे हैं आपके पास। गली, गली, ए गौरी
काला कपड़ा काहे पहनी हो? Why black? वो कली को घर से बाहर जाना था ना, इसलिए मंजरी चाची को पता ना चले हमने ये नाटक किया। मैं चाची तो रात में उठती नहीं है ना। कली, कली घर के बाहर गई है? कहाँ? वो पहाड़ी वाले राम जी के मंदिर गई है। राम जी से मिलने। बुधिया जी मालिक, चार आदमी भेजो और राम जी के मंदिर से कली को लेके आओ, और तुम इसे संभालो और ढंग के कपड़े पहनाओ। चलो मालिक पूछी पाए। अरे ये सब तुमरा करनी है, तुम कुलक्षणी हो मंजरी। अरे ये बच्ची को तुम कली 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 बुरा के फूल बना दी है तुम। अरे दोनों बच्चों को समझाना चाहिए ना कि राजकुमारी और कली में का फर्क है। जेठी भाभी, अब ये हमारी धर्म पत्नी बनने लायक नहीं है, इसलिए इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस घर से जाना होगा। बस कली को आने दीजिए, उसके बाद आप जहां बोलेंगे हम जाएंगे। थैंक यू राम जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते ना तो हम यहाँ तक आपके पास पहुँच ही नहीं पाते। ओ राम जी, आपके लिए बबल गम का प्रसाद, आपको बहुत पसंद है ना, हम आपके लिए लाए। चलो बाहर। मरत शक्ति इतना मत अरे। मैं बाहर, चलो। जा रही हो तो जाओ ना। चलो। आचार्य जी हमें अपने से दूर मत कीजिए। चलो। नहीं सर। अरे बिस्वा, ये क्या हुआ? पुरोहित जी, गाड़ी का दरवाजा खोलिए। राम जी, आप हमारे पूरे परिवार को प्यार करना सिखा दो। हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। और मंजी माँ के कपड़ों में रंग चढ़ा दो, सबको खुश कर दो ना राम जी। अब यहाँ क्यों आए? मैं कहता हूँ गाड़ी का दरवाजा खोलिए। ये क्यों कर रहे हो? ये औरत हमारी जिंदगी में बोझ बन गई है, इसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर हम छोड़ के आएंगे। राम जी, आप हमारे घर में सब कुछ फिर से ठीक कर दीजिए ना। आप ऐसा कीजिए कि बड़के पापा मंजीमा से फिर से प्यार करने लगे और उन्हें फिर से घर में ले आए। राम जी, आपको पता है मंजीमा हमें क्या कहती है? मंजीमा हमें कहती है कि राम जी सब कुछ ठीक करते हैं। तो आप भी हमारी बात सुनोगे ना? आप ऐसा करो ना, बड़के पापा के गुस्से का इलाज करो। चलो छोड़ दो बिस्वा, कहाँ है बेइज्जती करवा रही हो? अरे उठो, कहाँ नहीं समझा रही हो इनको? अरे छोड़ दो भाई, अरे चुप। सब के सब चुप हो जाओ। पल है भारी वो भी।
किसकी तरफ, किसकी तरफदारी कर रहे हो तुम सब? इस औरत की, जिसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है।